everybody, मैं प्रियंका पोल, मिसेज यूनिवर्स 2017 एंड डायरेक्टर फॉर कंठा एंटरटेनमेंट प्रेजेंस शीक मिसेज इंडिया। शीक मिसेज इंडिया हमने इसीलिए ही चालू किया है क्योंकि हम एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं सभी औरतों को जो ये इंडस्ट्री में कदम रखना चाहती है। हमारा पहला सीज़न लास्ट ईयर था जयपुर में और ये सीज़न हम मुंबई में इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी औरतें जो मुंबई से है, कॉस्मोपॉलिटन प्लेसेस में से है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, उन लोग जब जयपुर आ नहीं पाए बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस, इसीलिए हमने ये साल मुंबई में किया है। अभी जिस तरीके से अभी आगे करने भी वाले हो तो जो हमारे कंटेस्टेंट होंगे उनको क्या रेस्पॉन्स मिलेगा या क्या प्रॉफिट मिलेगा आप लोगों की तरफ से? पहली बात तो ये हमारा खुद का प्रोडक्शन हाउस है कंठा एंटरटेनमेंट, तो हम खुद एक शॉर्ट मूवी, म्यूजिक एल्बम, वेब सीरीज़ प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारा ये है कि हमारे जो 40 फाइनलिस्ट होने वाले हैं उनमें से हम कोई भी 4 या 5 औरतों को लेके एक वेब सीरीज़ करेंगे जिसका स्टोरी मदर्स से रिलेटेड होगा, तो उनकी ही कहानी वो ही स्टारकास्ट करेंगे। प्लस हमारे जो जूरी मेंबर्स और जो चीफ गेस्ट है और जो बाकी फैकल्टी मेंबर्स हैं उन लोग भी हमारे ही 40 फाइनलिस्ट से आगे बढ़ने का मौका देंगे। प्लस हमारे जो विनर्स हैं वो इंटरनेशनल पैजेंट में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हमारे जो विनर्स हैं वो जाएंगे मिसेस यूनिवर्स, वुमेन ऑफ यूनिवर्स या यूनाइटेड नेशन में, जो बाकी 80 कंट्रीज़ के साथ हमारे कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। बिकॉज यूजली ऐसे होता है कि मिसेज एक बार शादीशुदा होने के बाद यूजली उनको चांस नहीं मिलता है, वो ही घर के काम में या अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या बच्चों में, अपने गृहस्थी में बहुत बिजी हो जाते हैं। तो ये उन औरतों के लिए है जो वो फील्ड में है, जो कॉर्पोरेट फील्ड में है, जो ये इंडस्ट्री की ग्लैमर चकाचौंध जिंदगी को एक बार देखना चाहती है, या वो औरतें जो गृहस्थी संभालती है उनको भी ये चकाचौंध जिंदगी देखना है, पसंद है, तो उनके लिए इसलिए ये प्लेटफॉर्म दिया गया है। ये हमारा सेकेंड सीज़न है, पहला सीज़न हमारा जयपुर में था। उन लोग के लिए वेब सीरीज़ अंडर हाउस है और प्लस वो दिसंबर में मिसेज यूनिवर्स जो होने वाला है फिलीपींस में, उसमें पार्टिसिपेट करने वाली है। ये हमारा नवंबर एंड में है, 26, 27, 28 और 29, जहाँ पे हम 3 दिन कंप्लीट ग्रूमिंग सेशंस देते हैं, स्किन से लेके, वॉक से लेके, एटिकेट मैनर्स से लेके सब कुछ, और 29 को हमारा फिनाले होता है। नहीं, हमारा इंडियन नेशनैलिटी है, ये इंडियंस जो ऑल ओवर द ग्लोब में है, जैसे हमारे पास कंटेस्टेंट्स है जो यूके, दुबई में से भी है, बट ऑफ कोर्स उनकी नेशनैलिटी इंडियन है, तो ये ऑल ओवर द ग्लोब्स की मिसेज आने वाली है। थैंक यू सर। आज आपके मिसेस इंडिया का ऑडिशन से उस बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से मतलब आपकी तैयारी हुई, किस तरीके से आपने तैयारी की? सो बेसिकली शीक मिसेज इंडिया जो कंठा प्रेजेंट करता है हर साल, दिस इज़ अ सेकेंड ईयर, एंड पूरे इंडिया में हम लोगों ने ऑडिशन करते हैं। हम लोग इंडिया में जहाँ जहाँ ऑडिशन होते हैं उसमें से 40 फाइनलिस्ट हम लोग सेलेक्ट करते हैं। लास्ट ईयर हमने उन्हें जयपुर ले गए थे, इस बार हम उन्हें बॉम्बे लेकर आ रहे हैं उन्हें ग्रूम करने, जितनी भी उनकी चीज़ें हो गया थी कि इट्स मैनर्स, हाउ टू सेट, हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, ईच एंड एवरी थिंग उन्हें सिखाया जाएगा। एंड उसके बाद एक फिनाले होगा जिसमें ए से लेकर जेड तक उनके बारे में ऑब्जर्व कर उन्हें मार्क्स देंगे, एंड फिनाले के दिन कुछ लोग होंगे जो जीतेंगे एंड वो इंटरनेशनल जाएंगे हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करने। अपार्ट फ्रॉम दिस ये हमारा फिलहाल में तो लास्ट ऑडिशन है बॉम्बे का, क्योंकि फिनाले बहुत करीब है एंड बॉम्बे में हम किसी कारणवश हमारे ही काम में बिजी हो गए थे, सो हम लोग कर नहीं पाए ऑडिशन एंड दिस इज़ वेरी लेट, बट या देर आए दुरुस्त आए एंड बड़ी सारी तैयारियाँ हुई और एक वेन्यू डिसाइड किया गया एंड फिर ऑडिशन रखा गया आज के दिन। यस, हम लोगों ने हर सिटीज़ में ऑडिशन लिए हैं। लास्ट ईयर हमने ज़्यादा ऑडिशन लिए थे, इस ईयर हमने बहुत कम ऑडिशन लिए, क्योंकि फिर एक लिंक्स बन जाती है, एक कोऑर्डिनेटर बन जाता है वहाँ पे जो हमें कोऑर्डिनेट करता है हमारे साथ, एंड यूजुअली हम लोग ऑनलाइन भी ऑडिशन लेते हैं। इस बार हमारी वेबसाइट पर बहुत सारे रजिस्ट्रेशन आए एंड हमारी जितनी भी बैक टीम थी उन्होंने उनके ऑनलाइन वीडियो कॉल्स पर ऑडिशन लिए, तो हमें जाना नहीं पड़ा। बट या लखनऊ, भोपाल, इंदौर, जयपुर, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली,
लुधियाना, पंजाब, काफ़ी सारी जगह हम लोगों ने ऑडिशंस लिए एंड दिस इज़ मुंबई नाउ। आई बिलीव शान, यू नो कंठा तुम बहुत पहले से जानते हो, BCL में हम लोगों ने टीम ली थी, विकास और हम लोगों ने जितने प्रोजेक्ट साथ में किए, काफ़ी शोज प्रोड्यूस किए, एक दो फिल्में छोटी मोटी हम लोगों ने प्रोड्यूस किए, ज़्यादा बड़ी नहीं, यशराज और धर्म बट किए है। सो बेसिकली जो भी हमारे इसके पार्टिसिपेट होंगे, इट्स नॉट अबाउट विनिंग कि जो जीत रहा है वही काम कर रहा है, इट्स अबाउट जैसे लास्ट ईयर हमारे कुछ ऐसे लोग थे जो जीते उन्होंने तो काम किया ही किया, जो नहीं भी जीते, क्योंकि उल्लू ऐप उस समय लॉन्च हुआ था, सो उल्लू ऐप से हमारा एसोसिएशन था एंड जितने हमारे ऐसे लोग थे जो काम कर सकते थे या जिनमें टैलेंट दिखा, जिन्होंने जिनमें स्पार्क दिखा, सो दे केम, उन्होंने कास्ट किया, हमारे पार्टिसिपेट जो 40 थे उस समय 40 नहीं थे बट उसमें से भी उन्होंने दो चार लोग को लिया। सो या देयर इज़ अ वेरी बिग स्कोप, वेरी बिग प्लेस, हमारा काम है उन्हें एक सही जगह पर पहुँचा देना, डिपेंड करता है, उसके बाद PR हम लोग करते हैं, उन्हें काम हम लोग दिलाते हैं एक एक वक्त तक, एक हद तक, क्योंकि वो हमारे विनर होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इंटरनेशनल हम लोग ले जाते हैं बट उसके बाद की जर्नी उन लोगों को खुद के दम पर और अपने काबिलियत पर और डेफिनेटली अपने टैलेंट पे आगे ले जानी होती है। सो बेसिकली दिस इज मिसेज इंडिया, दिस इज नॉट मिसेज महाराष्ट्र और मिसेज मुंबई, ये मिसेज इंडिया, हमने ऑल ओवर इंडिया से ही इसमें लोग को सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट प्लान अगर कंठा का हम पूछे तो वी आर डूइंग एडोनिस मिस्टर इंडिया, जो बहुत लार्जर देन, बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे हो रहा है एंड उसके लिए हम लोग ऐप बना रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ उसमें रजिस्टर्ड कर पाए। वी अप्रोच सम सेलिब्रिटी बट अभी तक कन्फर्म हुआ नहीं है, उसमें काफ़ी बड़े लोग हैं, लाइक अगर एक दो नाम लो तो विक्की कौशल को भी अप्रोच्ड कन्फर्म नहीं आया है, रणवीर सिंह को भी अप्रोच्ड कन्फर्म नहीं हुए हैं। सो वी आर हैविंग वर्ड विद उनके टीम के साथ कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, लेट्स सी। इसके बाद का हमारा एडोनिस मिस्टर इंडिया का प्लान है बट इस वक्त हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं शीक पे। ऑल द वेरी बेस्ट, दिस इज़ द प्लेटफॉर्म, बहुत सारे मिसेज इंडिया होते हैं एंड वी रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी पेजेंट, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, आप लोग बहुत यू नो सपने लेकर हर एक फीमेल आती है कि वो कुछ बनने जा रही है, बट बहुत सारे मैंने ऐसे प्लेटफॉर्म्स देखे कि मैं इस लाइन में था नहीं, प्रियंका और मैं पिछले 2 साल से हमने जॉइंट वेंचर में काम करना शुरू किया है एंड शी जॉइन कंठा, सो बहुत सारे मैंने देखे होते तो है बट वो बॉम्बे और इंडिया में ही रह जाते हैं, थोड़ा सा PR करके उनको रख दिया जाता है। सो बट स्टिल हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं वो आवर कमिंग, वो जिससे भी ड्रीम के साथ हमारे पास आ रहा है, डेफिनेटली लास्ट ईयर भी हमने फुलफिल किया था एंड इस ईयर वी आर ट्राइंग हमारे तरफ से बहुत हार्ड कि हम लोग उनके सारे ड्रीम्स फुलफिल करें। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो भारतवर्ष की जितनी हमारी महिलाएं हैं उनको बेस्ट विशेष देंगे और शीक मिसेस इंडिया, जैसा कि आपने अभी सुना प्रियंका और करण से, मेरे दोनों बच्चे काफ़ी 2 सालों से इसके लिए लगे हुए हैं और इन कुछ ना कुछ नया हर बार महिलाओं के लिए कुछ लाना है, मम्मी कुछ करना है करके हर समय करण बोलता था कि हम कुछ महिलाओं के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, क्योंकि मेरी NGO आपको पता है कि 20 साल पुरानी, जो सिर्फ लेडीज़ और यूथ के लिए ही काम करती है, स्मार्ट सम्मान महिला मल्टीपर्पज़ एंड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी ऑल ओवर इंडिया, इंडिया के बाहर भी, तो महिलाओं के लिए कुछ नया ही हम लोग सोचते आए हैं। तो प्रियंका मिली, करण सब मिलके हम लोगों ने शीक को शुरू किया और पहला सीज़न तो हमारा अच्छा धमाल था और सेकेंड सीज़न शायद उससे भी अच्छा धमाल होने वाला है। तो मैम किस तरीके की तैयारी की है इसके लिए आपने? सबसे पहले तो जैसा होता है कि हाँ, हमारी टीम तो पहले से ही बहुत मेहनत कर रही हैं इसके लिए, इंस्टेंट कुछ नहीं कर सकते, इसके लिए पूरा तैयारी करना पड़ता है, प्लस हर शहरों में जा जा के भारत के हर सिटी में, हम लोग इवन बहुत बड़े सिटी जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ से थोड़ा सा आउट होके हम लोग गाँव की तरफ जाते हैं और गाँव में भी जो महिलाओं के मन में इच्छा होती है कि हमने भी कुछ करना चाहिए, हम लोग ऐसी ऐसी महिलाओं को ला के अपने शीक मिसेज इंडिया में खड़ा करते हैं और वही महिलाएं बाहर जाने के लिए भी तैयार हो जाती हैं। ये कहां से आया आपके दिमाग में कि हमें ये करना चाहिए? आप पहले भी महिलाओं के लिए काफी आवाज उठाती रही हैं और ये भी बड़े सोशल वर्कर, ये कहां से आया दिमाग में कि हम इस तरह से महिलाओं की हेल्प कर सकते हैं?
कुछ तो लोगों को देख के एक्सपीरियंस महिलाओं का सुनते रहते हैं, एनजीओ में काफ़ी केसेस आते हैं मेरे पास में, तो ये सारी चीज़ें देख देख के ऐसा लगता था कि कुछ नया प्लेटफॉर्म करना चाहिए। और नया प्लेटफॉर्म के साथ में, हालांकि बहुत सारे मिसेस इंडिया होती हैं, लेकिन हम लोगों ने एक अलग तरीके से इसको मोड़ दिया, क्योंकि महिलाएँ जो माँ होती है, माँ ही एक धरोहर होती है, त्याग की मूर्त भी होती है, जब कुछ समय आता है तो सिर्फ वो सिर्फ अपने लिए कॉम्प्रोमाइज़ करती है, बाकी अपने परिवार के लिए जो होता है सारी चीज़ें वो समर्पित रहती है। तो ऐसा लगा कि चलो महिलाओं को भी कुछ एक नया ग्राउंड दिया जाए, और यहाँ पे जैसा कि करण बताया कि हम लोग मूवी के लिए भी कर रहे हैं, उनकी ही स्टोरी, हम लोग कोई स्टोरी अलग से नहीं लाने वाले, उन्हीं की कहानियों पे हम लोग तैयार करेंगे, क्योंकि हमारा पूरा टीम है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर सारे लोग हैं ही यहाँ पर, और सभी लोग मिलके ये चीज़ करने वाले हैं। आपने जैसे बताया बहुत सारे इस तरह के इवेंट होते हैं, इनमें और इसमें क्या फ़र्क रहेगा? यही तो बताया ना कि हम लोग उनकी स्टोरी, खुद की पर्सनल लाइफ की स्टोरी को लेके हम लोग पिक्चर बनाएंगे, क्योंकि कहानियाँ कई आती है सीरियल में, मूवी में, पिक्चर में, बहुत सारी चीज़ें बनावट होती है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो महिलाएं हमारे पास आ रही है उस महिलाओं की जो स्टोरी रियल होगी उसी के ऊपर हम लोग रियल लाइफ के ऊपर शूट करें और उसको प्रमोट करें। थैंक यू। हाय, हाँ, मैं रुपेश सुनार हूँ, मैं कास्टिंग डायरेक्टर और सेलिब्रिटी मैनेजर हूँ मैं, और यहाँ टेलीविजन के मैं सीरियल्स की कास्टिंग वगैरह देखता हूँ मैं। ये मेरा दूसरा साल है, और फर्स्ट ईयर जयपुर में हमने वो सक्सेसफुल ये इवेंट किया है, और लास्ट टाइम मैं ऑडिशंस पे नहीं आ पाया था बिजी शेड्यूल्स की वजह से, लेकिन इस बार मैंने फर्स्ट डे ही बोला कि मैं ऑडिशंस पे आऊँगा और अपने कंटेस्टेंट को जज करके उनको लास्ट मोमेंट तक ले जाऊँगा। कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, इसलिए मैं ऑडिशंस पे इस बार आ गया। मैं लास्ट टाइम नहीं जा पाया था, तो मैं शुरुआत से देखना चाह रहा था कि किस तरह से ऑडिशन प्रोसेस होगा इनका, और एक प्लेटफॉर्म पे इतने लोगों का ऑडिशन देखने का मौका मिलेगा मुझे। करण और प्रियंका को मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ मैं, और जैसे उन्होंने मुझे बोला था कि जूरी मेंबर में ज्वाइन होना है तो मैं तुरंत हाँ बोल दिया था, और जयपुर में काफ़ी मज़ा भी आया था और अच्छा सक्सेसफुल हुआ था फर्स्ट ईयर, होपफुली इस साल भी वैसा ही हो ग्रैंड और सक्सेसफुल। हाँ जी, इसलिए तो मैं आया हूँ फर्स्ट डे ऑडिशन पे, ताकि मैं टैलेंट को देख पाऊँ। ऑल द बेस्ट। जी, मैं निधि पांड्या हूँ, मैं ग्रोइंग बॉडीज़ की फाउंडर हूँ। ग्रोइंग बॉडीज़ हमारा कम्युनिटी पार्टनर है फॉर शीक मिसेज इंडिया, एंड प्रियंका इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड, एंड वी आर लाइक लुकिंग फॉरवर्ड एसोशिएटिंग एंड कोलाबरेटिंग विद कंठा एंटरटेनमेंट्स, ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं उस चीज़ से, इस फील्ड में आके, एंड बहुत अच्छा लगा शीक मिसेज इंडिया खुद के साथ जुड़कर एंड टू बी अ ज्यूरी मेंबर, इट वाज अमेजिंग, एंड ऑल माय विशेस टू ऑल द कंटेस्टेंट्स, थैंक यू। मेरा नाम जानवी खुर्सी जान है, और मैंने रिसेंटली क्राउन जीता है, और यहाँ पे मुझे जूरी के लिए बुलाया गया है, एंड मैं थैंकफुल हूँ प्रियंका और करण का कि जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ पे आके जूरी पे उस पर बैठ। अभी तक तो ऑडिशंस हुए नहीं हैं, अभी तो मैं बैठी हूँ ऑडिशंस के लिए। इससे पहले आप जीत चुकी हैं बताया आपने, तो कैसा एक्सपीरियंस था जब आप जीते, तो क्या? हाँ, ऑफकोर्स ये बात मैं कहना चाहूँगी कि ये जो प्लेटफॉर्म इन्होंने शुरू किया है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि हम एक्चुअली शादीशुदा महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम एक लिमिटेशन में रह जाते हैं घर में और अपने बिजनेस में, और ये प्लेटफॉर्म मिलने के बाद एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक आत्मविश्वास अपने अंदर आने लगता है कि हम एक और एक लेवल पे आगे बढ़ सकते हैं। जब आप गए थे तो उस टाइम पे फैमिली का कैसा रिएक्शन था, जब विन हो के गए तो उस टाइम पे कैसा रिएक्शन? फैमिली का इसमें तो मेरी फैमिली ने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया था, क्योंकि
इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है जो शादीशुदा महिलाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म जो बनाया गया है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसमें इनफैक्ट काफ़ी कुछ मिलता है, हम खोते कुछ नहीं। कुछ ऐड करना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? आई एम थैंकफुल टू करण एंड प्रियंका जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। थैंक यू। मेहमान, हम मेहमान गिफ्टिंग सॉल्यूशन से है और ये हम उनका पार्टनर है, स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं उनके लिए। फर्स्ट टाइम है, अच्छा लगा, एक्सपीरियंस कर रही हूँ नए लोगों के साथ। कुछ कहना चाहेंगे के बारे में? ना नहीं, मेरा नाम श्रद्धा सिंह है और मैं स्मार्ट्स एनजीओ की फाउंडर हूँ और मैं अशीक से जुड़े हुए मुझे काफ़ी साल हो गए। वैसे कंठा एंटरटेनमेंट मेरे भाई का ही है, करण सिंह प्रिंस मेरा छोटा भाई है, तो अशीक से जुड़े हुए हमें 2 साल हो चुके हैं, हमारा प्रोडक्शन है और बाकी इसमें काम करके भी अच्छा लग रहा है, जुड़ के अच्छा लग रहा है। कैसा रिस्पॉन्स रहा? जी रिस्पांस तो बहुत अच्छा मिला, लास्ट ईयर हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, ये साल भी आशा है कि हमको अच्छा रिस्पांस मिले। ये हमारा मुंबई का लास्ट ऑडिशन है, बाकी हर सिटीज़ के हमारे ऑडिशंस हो चुके हैं, बस अभी देखते हैं आगे क्या है। मैं ऑफिशियल मैनेजर हूँ शीक मिसेज इंडिया की और करण मेरा काफ़ी पुराना फ्रेंड है, बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो उसने मुझे अप्रोच किया कि ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है और हम ये चीज़ें कर रहे हैं। लास्ट सीज़न मैंने मिस कर लिया था, तो इस बार मुझे था कि नहीं मुझे करना है और मुझे इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना है ताकि मैं सबको देख के काफ़ी चीज़ें सीख सकूँ और आगे बढ़ सकूँ। कहना चाहेंगे महिलाओं के लिए? किस चीज़ के लिए? जो नई जुड़ती हैं उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि सबको लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए और अपने ड्रीम्स को पूरे करते रहना चाहिए, चाहे वो ये शो हो या उससे हटके कुछ भी हो, एटलीस्ट वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर दोबारा लेके आना चाहिए। तो बस यही है कि सबको कोशिश करते रहना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। ये कुछ कहना ही नहीं, इन दोनों के बारे में क्या कहें, ये दोनों मेरे अच्छे दोस्त हैं और क्या बोलें। मैं बताता हूँ, हम लोग का एक्सपीरियंस 2 साल हो गया, 2 साल से जब भी हम रुपेश भैया को फ़ोन करते हैं, रुपेश भैया शीक शुरू हो रहा है एंड हमें ऐसा ऐसा करना, तो रुपेश भैया का सामने से ही कहा था भाई मैं कुछ बोलूँगा नहीं, जूरी बन जाऊंगा, मैं कुछ पूछूंगा नहीं, इंटरव्यू दूंगा नहीं, बट मैं खड़ा रहूंगा। समझ रहा, ठीक है, ऐसे ही आके आप साइलेंट बन जाओ, तो भैया हमेशा कुछ बोलना नहीं चाहते लेकिन खड़े रहते हैं भैया हमारे साथ। नहीं, आप बोलना चाहते हैं बट आज बोलेंगे, आज उन्होंने बोला है कि आज मैं बोलूंगा। हाँ जी, क्या पूछना चाहते हैं बोलिए आज सब पूरा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्या पूछना चाहते हैं? इन्हें पूछिए, आज वो रेडी है। किन से? करण से। करण, करण कैसे मिले बता दें? आए, मैं 2009 में ऐसा एक्टर बॉम्बे आया था एक्टर बनने के लिए, एंड आई स्टिल रिमेम्बर इन्फिनिटी में ऊपर फूड कोर्ट में मुझे किसी से मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा रुपेश भैया ऐसा ऐसा है, क्योंकि ऑफकोर्स जितने भी लीड है या जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको बॉम्बे में एक्टर बनना है या जो बने हैं, डेफिनेटली रुपेश भैया के थ्रू बने, स्पेशली इन सीरियल इंडस्ट्री। एज एन एक्टर मेरे पास आए थे और मैंने बोला था कि नहीं तुम्हारा कुछ नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता और तुम जाओ पहले अपने आप को ग्रूम करके आओ मेरे पास। तो बंदा 1 साल बाद फिर आया मेरे पास, ग्रूम होके आया, अनफॉर्चुनेटली कुछ वर्कआउट नहीं हुआ, लेकिन लिखा था कंथा इनके नसीब में। नो, देन ही वाज टू ग्रूम्ड, ही वाज टू ग्रूम्ड फॉर हॉलीवुड, ग्रूम हो गया कि मैं हॉलीवुड में सीधा चले गए, तो हॉलीवुड फॉर वहां मेरी लिंक नहीं है। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि हम लोगों ने प्रोडक्शन हाउस खोला, मैंने 2-3 चीजों में एंटर किया एंड भैया वाज वेरी हैप्पी। मैं हमेशा इनसे गाइडलाइंस लेते रहता हूं कि भैया क्या करना है क्या नहीं करना है, और ये बिल्कुल शांति से गाइडलाइन देते बिना कुछ बोले। ही इज वेरी हेल्पफुल, ही इज वेरी हेल्पफुल, और ये जो प्लेटफॉर्म वो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हाँ, घर घर की औरतों को, घर घर की औरतों को लाके इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा करना ये बहुत बड़ा टास्क है और इनके लिए वन टाइम ऑडिशन है। हाँ, और एक साथ 40 लोगों को जज करना और देखना और नए टैलेंट को सोर्स आउट करना, ये मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो मैं लास्ट टाइम ऑडिशन पे नहीं आ पाया था क्योंकि बिजी था, भाई ने बुलाया था लेकिन नहीं आ पाया था, लेकिन इस बार मेरे लोग फर्स्ट डे ही मैं आऊँगा ऑडिशन देखने के लिए और आगे। आई रिमेम्बर जब पहली बार हमने भैया को अप्रोच किया था तो भैया को बोला भैया ऐसा ऐसा, भैया मैं क्या करूँगा, मैं कहा भैया जूरी बना, नहीं नहीं मैं कैसे बन जाऊँगा, तो वहाँ मेरा काम क्या, वो तो फैशन का है, मैं एक्टर का ऑडिशन देखता हूँ। मैंने कहा नहीं भैया आपको वॉक देखने, आपको
पक्का मैं कर लूंगा, मैंने कहा हाँ कर लोगे आपको बेटर है, मैं स्टेज पर नहीं आऊंगा, मैं माइक नहीं पकड़ूंगा, मैंने कहा ठीक है। और आई रिमेम्बर करण खंडेलवाल लास्ट टाइम था इनके साथ, उसने बहुत इनके हाथ में माइक दिया, बड़ी फिरकी ली और बड़ा मजा आया था। स्टिल रिमेम्बर, अब तो प्रो हो गया हूं। और इसके अलावा क्या क्या साथ है जीतेंगे उनको हम वेब सीरीज में लेंगे, तो वो एक वेब सीरीज है। और प्लस और जो भी मुझे कंटेस्टेंट लगते हैं कि मेरे लिए है इन फ्यूचर कोई टीवी शो में, मैं अगर उनको ऑडिशंस करूं या कास्ट करूं तो उसके लिए डेफिनेटली मैं करूंगा कुछ ना कुछ। थैंक यू सो मच।